नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M21 versus Realme 8 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy M21 में 6.26 इंच जबकि Realme 8 5G में 6.4 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy M21 में 2.96 इंच जबकि Realme 8 5G में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy M21 में 0.35 इंच जबकि Realme 8 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy M21 में 192 ग्राम्स जबकि Realme 8 5G में 185 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy M21 में Super AMOLED जबकि Realme 8 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Galaxy M21 में 19:5:9 जबकि Realme 8 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy M21 में 6.4 इंचेस जबकि Realme 8 5G में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy M21 में 1080x2340 और Realme 8 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy M21 में 84.02% जबकि Realme 8 5G में 83.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy M21 में 403 पिक्सल प्रति इंच जबकि Realme 8 5G में 405 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy M21 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Realme 8 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy M21 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Realme 8 5G की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy M21 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Realme 8 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy M21 में Mali G72 MP3 जबकि Realme 8 5G में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy M21 में Samsung Exynos 9 Octa 9611 और Realme 8 5G में MediaTek Dimensity 700 MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 4GB मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 64GB मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy M21 में अप टू 512GB जबकि Realme 8 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy M21 में 6000 mAh जबकि Realme 8 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy M21 की
₹12,499 जबकि Realme 8 5G की ₹13,999 प्राइस है, जो कि Galaxy M21 से ज्यादा है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में गैलेक्सी M21 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Realme 8 5G आगे है। इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 है, जो कि ₹12,499 में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy F12 है, जो कि ₹8,999 में मिलता है। तीसरा है जो कि ₹9,649 में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Narzo 30 है, जो कि ₹12,499 में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।